मैं आपका अपना ओम प्रकाश जैन युवाओं से अपील करता हूं कि अपनी वोट बना करके अच्छी सरकार बनाने में भाग्यशाली बने। मीट कारोबारी पप्पू की स्विफ्ट कार में मोटे मास्क को उतारते की वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो बनाने वाला तैयब नाम का शख्स सामने आया है। इस शख्स ने दावा किया है कि जिस समय मास्क उतारा जा रहा था उस वक्त कार पर झंडी नहीं लगी हुई थी। उसने ये भी खुलासा किया है कि ये वीडियो उसने इमरान के कहने पर बनाया है। जब इस शख्स से पूछा गया कि उसने वीडियो क्यों बनाई तो उसका कहना है कि इमरान ने उसे कहा था कि मतलूफ ने सिर्फ एविडेंस के लिए ये वीडियो बनवाई है। लेकिन सोशल मीडिया में फुटेज वायरल होने के बाद अब वो सामने आया है। पप्पू और मतलूफ वाला मामला गहराता जा रहा है। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें दिखाया गया था कि बीजेपी की झंडी लगी एक गाड़ी है उसमें मोटा मास सप्लाई किया जा रहा है, दिल्ली से मोटा मास लाया जा रहा है। लेकिन अब उस मामले में एक नया मोड़ यह है कि जिस लड़के ने वो वीडियो बनाई थी, जिसके कहने पर वो बनाई थी, उस समय झंडी लगी हुई थी या नहीं लगी हुई थी, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे पास वो लड़का एक्सक्लूसिव है, खड़ा है हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। आप ये बताओ वो वीडियो किसके कहने पर बनाई थी और क्यों बनाई थी? मैंने ये वीडियो हमारे ताऊ लगते हैं इमरान प्रधान, उनके कहने पर बनाई थी। और जिस टाइम वो बॉस उतर रहा था ना तो उस पर कोई बीजेपी का झंडा था और ना ही कुछ था, वो सिर्फ भैंस का गोश्त था, उसमें कोई वैसा वो नहीं मोटा माल। क्यों बनाए थे वो वीडियो? कोई दबाव था उसके ऊपर उन्होंने? नहीं, दबाव नहीं था, इसलिए बनाए थे कि हमारे ताऊ को क्या पता कि इस वीडियो का एविडेंस के लिए पता नहीं किस लिए ले रहे हैं, इसका कोई मुझे पता नहीं था। एस के लिए ये भी नहीं पता था मुझे कि ये वीडियो वायरल होगी, बट मुझसे जितना कहा गया था मैंने उतना कर दिया। तो वो आपने जो वीडियो बनाया तो पीछे की क्यों वीडियो बनाई, पूरी कार की क्यों वीडियो बनाई? क्योंकि एंगल हमारे घर से बस पीछे का ही आता है, आगे का एंगल आता ही नहीं। और झंडी और झंडी उस पर बिल्कुल नहीं थी, बीजेपी की झंडी तो उस पर थी। तो अब कार कोई दबाव आ रहा है कि मतलब वीडियो सामने आया? नहीं नहीं नहीं, अब क्या दिक्कत हो रही है? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, किसी का दबाव नहीं है, किसी की दिक्कत नहीं है। बस जो सच है मैं वो सच बोल रहा हूँ कि बीजेपी की झंडी उस पर नहीं थी और बस यही बात है। वही वीडियो बनवाने वाले इमरान का कहना है कि उसने मतलूफ के कहने पर ये वीडियो बनाई थी, लेकिन उसे ये जानकारी नहीं थी कि वीडियो वायरल हो जाएगा। इमरान का कहना है कि वीडियो वायरल होने के बाद उसने मतलूफ से फोन पर बात की कि समाज के लोगों में मेरे प्रति रोष बना हुआ है और पंचायत के लोग उस पर भड़क रहे हैं। इमरान की मतलूफ से क्या बातचीत हुई आपको सुनवाते हैं उसके कुछ अंश। अब बोलने तारी की बात पंचायत कर गए है जी। अब मैं तो ना इधर का राम ना इधर का, दोनों तरफ फंस गया मैं तो। कोई बात नहीं है, पंचायत कर ले, असल में बात यही थी। मैंने यही कहा था, मैंने प्रधान जी का एविडेंस के लिए दी थी वीडियो, वो व्हाट्सएप गई या किसने करी व्हाट्सएप मतलब ये मुझे पता, लेकिन मैंने तो एविडेंस के लिए दी थी भाई, जहाँ प्रधान जी आपको सबूत चाहिएगा तो मगर ये वीडियो रख लो अपने पास। अब मगर उसका मुझे नहीं पता, मगर यही बात हुई फिर मगर मैं देखो झंडी तो मैंने भी नहीं देखी, गोश्त गोश्त जरूर उतर रहा था उसमें से, झंडी तो मगर मैंने भी नहीं देखी, सीधी बात है। लेकिन झंडी कहाँ था ये मगर मुझे नहीं पता, ये मैटर मगर मेरा नहीं है भाई। मैंने तो मतलब उनको सिर्फ वीडियो इसलिए दी थी कि एविडेंस के लिए रख लियो, मैंने ये नहीं कहा था तू वायरल कर दियो इसको या व्हाट्सएप कर दियो या फेसबुक पर डाल दियो। मैंने ये कहा था वो कैसे हुई, कहाँ से, किसने करी, वो तो प्रधान जी जाने मेरा, मैंने तो अब यू कह रहे क्यों, अब तक अब यू कह रहे के तरह क्यों दी। मतलूफ का फोन आपके पास आया था, अभी एक ऑडियो जो वायरल हुई है, ऑडियो रिकॉर्ड किया है आपने, जिसमें मतलूफ को आप ये कह रहे हो कि मैंने तो भाईचारे में आपको बताया था, वो वीडियो दी थी आपने वायरल कर दी, वो क्या बातचीत हुई थी आपकी? वो सिर्फ इतनी बातचीत हुई थी कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, पप्पू का इनका आपसे जो झगड़ा था उसकी वजह से मुझे एविडेंस चाहिए भाई, शहर में जो है मोटा माल आ रहा है या नहीं आ रहा मोटा माल, तो ये मना करते हैं जबकि वो मास आ रहा है उस गाड़ी में। अब उस गाड़ी में इन उस वक्त तो झंडी नहीं थी, लेकिन अब ये झंडी कहाँ लगी हुई थी, कैसे लगी हुई थी, वो फोटो का उससे हमारा कोई लिंक नहीं, ना हमें उसका पता। हमने जितनी वीडियो बनाई थी वो हमने उसको एविडेंस के तौर पर दी थी, उस एविडेंस को उसने मिस यूज किया या नेट पर डाल दिया, व्हाट्सएप कर दिया उसको या जो भी फेसबुक पे डाला वो उसने किया। नहीं हमारी उसकी यही बात हुई थी आपने, जब आपने उसने कहा था कि वीडियो बना दे, किस पर्पज के लिए उसने वीडियो बनवाई थी? एविडेंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को प्रूफ दिखा रहा है मुझे कि देखो ये मोटा मास आ रहा है, उसमें गाय की कोई बात नहीं थी, सिर्फ मोटा मास की बात थी, ना ही गाय का कोई मैटर है इसमें।
वहीं मीट कारोबारी पप्पू के बेटे ने दावा किया है कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जिस वक्त मांस उतारा जा रहा था उस वक्त कार पर कोई झंडी नहीं लगी हुई थी और ये सीसीटीवी फुटेज भी उसी दिन की है जिस दिन मांस उतारा गया था। ऐसा हुआ है, मतलब को मंथली देते थे 12 साल से तो उसे मंथली दे देकर तंग आए, हमें गोली मारने की धमकी देता था, बदमाशी दिखाता था। हमने मंथली नगर हमने इसके खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया। पर्चा दर्ज करवाने के बाद जो सिलेंडर रेवड़ी है हम उनके पास चले गए, उन्होंने इस मामले में हमारी मदद की। मदद करने के बाद फिर इनने मतलूब ने उनसे अपनी खुंदक निकालने के लिए थोड़ा लोगों को हमारे मेलने के जो हमारे पड़ोसी हैं उन्हें थोड़ा भगा सका कि मेरी माँ पता नहीं क्या बात की थी, क्या लालच गिरा, उनसे इस तरह की वीडियो बनवाई। जब ये वीडियो बनवाई गई है ना तो ये आप वीडियो में ये देखो उस लड़के ने पीछे की वीडियो बना ली है, आगे की वीडियो नहीं बनाई। उनने आगे की वीडियो क्या करना था, क्यों नहीं बनवाई, क्योंकि उसमें बीजेपी का झंडा नहीं था। वो वीडियो माल को क्यों उतर रहा है और झंडे की वीडियो क्यों उड़ के दिखाई जा रही है, इसमें ये साबित होता है उस टाइम तक गाड़ी पर झंडा नहीं था और वो झंडा क्यों होने लगा गया है। फिलहाल इस सारे मामले में सच्चाई क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस सारे मामले में भाजपा के किसी भी सीनियर नेता की आज तक भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही। कैमरामैन प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह, वॉइस ऑफ पानीपत।